अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। वेलकम ऑन लेमन ट्यूटोरियल ऑफ दी एल्गो HTML। यार जो कोई दिया वर्ड। अच्छा, मैं आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट पूरी सीखना चाहते हैं तो इस पूरी ना प्लेलिस्ट को आपने क्लिक करके एक तरतीब वाइज उसके अंदर जो जो लैंग्वेजेज हैं वो इस तरतीब के अंदर इसके अंदर होगी। अगर आपने सिंपल लैंग्वेज सीखनी है HTML, वो यहाँ से सीख सकते हैं। अभी CSS नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो भी, और सी सी प्लस प्लस और जावा, यहाँ पे उन तीनों की बाकी जो जो लैंग्वेजेस हम बनाएंगे यहाँ पे। वेब डेवलपमेंट अगर आपने पूरी सीखनी हो तो इसके अंदर जो भी लैंग्वेजेस होंगी HTML CSS वो सब कुछ इसके तरतीबवार इसके अंदर ऐड होंगी। और यहाँ से भी अगर आपने एक लैंग्वेज सीखनी है तो वहाँ उसकी प्लेलिस्ट मौजूद होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वेब डेवलपमेंट तो मैं पिछले वाला ही 11 वाला जो हमने बनाया था उसको एडिट कर लेते हैं और उसके अंदर ही कुछ चीज़ें अप्लाई करते हैं। आज का जो टैग है वो है स्पेशल टर्म DFN, HTML डेफिनेशन एलिमेंट। तो इसको चेक करते हैं ये कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले कहीं किसी वर्ड पे लगा के चेक करते हैं ये क्या करता है। तो जब हम अप्लाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसका काम क्या है। और जो जो टैग बता रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा काइंडली। और इलेवन वाले को ओपन विद क्रोम कर लेते हैं और अब देखते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले DFN किस पे लगाया था वो देख लेते हैं। ये DFN फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, तो ये रहा फ्लेक्सिबल। इस पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो अब इसने स्पेशल पे लगाया हुआ था, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। तो इसकी थोड़ी सी क्या हुआ है कि वर्डिंग चेंज हो गई है, थोड़ा स्पेशल मतलब इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, अटैलिक टाइप हो गया। तो ये जो DFN टैग है ये क्या करता है, आपको जो टैग होता है स्पेशल कीवर्ड होता है उसको अटैलिक कर देता है। तो अभी यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर भी अटैलिक हुआ है। ये देखें, ये बिल्कुल सीधे वर्ड है, लेकिन ये देखें यहाँ से ये अटैलिक हो चुका है बाकी के हिसाब से। तो अगले टैग की तरफ चलते हैं, कोटिंग टेक्स्ट। कोड क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आप कोड्स के अंदर लिखते हैं। तो ब्लॉक कोड, एक कोड्स का ब्लॉक। तो यहाँ पे एक मतलब ब्लॉक बना देगा। तो चेक करते हैं लगा के ब्लॉक कोड टैग, ब्लॉक कोड। तो मैं किस पे लगाता हूँ, मेरे ख्याल में यहाँ से इंट्रो और इस जगह लगा देते हैं ब्लॉक कोड, बल्कि स्टार्ट से और एंड में लगा देते हैं बिकॉज पूरा ब्लॉक बनना चाहिए ना। ब्लॉक कोड ये आ गया और इसके ये आपने क्लोज, और यहाँ पे ये डिप से पहले जाके क्लोज कर लो। ब्लॉक कोड येलो से के ब्लॉक कोड और कंट्रोल एस, और इसको कर दो रिफ्रेश। अब देखते हैं क्या करना है। ये एक ब्लॉक बन गया है इंट्रो के बाद, ये चेक करें पूरा एक ब्लॉक टाइप बन गया, यानी कि एक स्क्वायर के अंदर ये आ गया सारा। ये यहाँ पहले तो यहाँ पीछे था सब, ये अब राइट तरफ अलाइन भी हो गया, सारा अलाइन हो गया, लेफ्ट की तरफ अलाइन हुआ, सॉरी राइट ये होता है इस तरफ, तो लेफ्ट की तरफ अलाइन भी हो गया। बाय डिफॉल्ट अलाइनिंग जो होती है वो लेफ्ट की तरफ होती है। अलाइन हो गया एक बॉक्स की तरह, ऊपर से भी स्ट्रेट, नीचे से भी बिल्कुल स्ट्रेट, आगे ऊपर नीचे रहा था। तो ये देखें बिल्कुल ओके हो गया। आगे चलते हैं, अगला टैग कौन सा है। तो ये अगर आपने टेक्स्ट को एस तरह बिल्कुल बॉक्स में स्ट्रेट आपको अलाइनिंग चाहिए हो, थोड़ी खूबसूरती चाहिए, तो ब्लॉक कोड को लाजमी यूज़ करें। आगे चेक करते हैं शॉर्ट कोटेशन। शॉर्ट कोटेशन के लिए कौन सा टैग यूज़ है, क्यों, या आपके पास कोई कोटेशन हो। एमिट इज इन पेन, थिंक आई एम रॉन्ग। कोटेशन होती है सही हो या गलत हो, चलिए किसी जगह पे ये लगा के चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे लगा लेते हैं, पहले देख लेते हैं यार कहाँ लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में नीचे लगाते हैं ये वेब शोर क्यू का टैग, और क्लोज में यहाँ कर देता हूँ क्यू का टैग। कोटेशन के लिए कौन सा टैग होगा, क्यू का टैग। और आपके पास कोई कोटेशन इंग्लिश की तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, अच्छा हमने एक इसके अंदर थोड़ी वो कोड अप्लाई किए हैं तभी ये राइट टू लेफ्ट और डायरेक्शन अप्लाई हो रही है। तो मैं पहले हटा देता हूँ, फिर करते हैं ये हमने डायरेक्शन हटा दी, अब रिफ्रेश करते हैं। तो क्या होता है, जो आपका जो हमने पहले जिनको अगर कोड्स के अंदर करना हो तो वहाँ पे हम क्या टैग रहे हैं, क्योंकि यानी कि डबल कोड, पहले यहाँ डबल कोड्स नहीं थी, वो डबल कामे ऊपर ऐसे इसकी तरह।
आप देखेंगे कि यहाँ पे डबल कोट्स आ जाएंगे, यानी कि आपने किसी चीज़ को डबल कोट्स में लिखना है तो वहाँ पे आप क्यों का टैग यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं, टेक्स साइटेशन। टेक्स साइटेशन होती है कि उसको नंबरिंग देना, 1 2 3 इस तरह करके साइट करना। तो इसको साइट कर देते हैं, ठीक है, साइट का टैग साइटेशन। और भी बहुत सारी आप जगह यूज़ होंगे। आगे एक होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो वहाँ पे आप साइटेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे वाले को साइट करता हूँ, CIT साइट। और वैसे ही इतने ज़्यादा जो अभी पहले जो किया है ना वो सिंपल, वो ज़्यादा यूज़ होने वाले, ये इतने यूज़ होने वाले टैग नहीं है, तो मैं तभी इन पर इतना जोर भी नहीं दे रहा, बस सिंपल सिंपल काम करके बता रहा हूँ। तो साइटेशन कहाँ पे थी ये देखिएगा, बाकी चीज़ का टेक्स्ट चेक करें और इस चीज़ का टेक्स्ट चेक करें, चेंज हो चुका है। आगे चेक कर, साइटेशन ये होगी। आगे चलते हैं, थोड़ा स्टाइल ही है एक किस्म का साइटेशन यहाँ पे, लेकिन साइटेशन का असल मीनिंग और है, यहाँ पे कुछ और तरह की है। अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग का कोड है, कोई प्रोग्रामिंग कोड है, तो वो आप किस चीज़ के अंदर लिखेंगे, कोड टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ कोड लिखने वाला हूँ यहाँ पे, और बॉडी के अंदर एक और मैं टैग लगाता हूँ कोड का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हैश इंक्लूड, ये C++ की लाइब्रेरीज हैं ऊपर, तो मैं लगा दे आयो स्ट्रीम .h, बहुत है कोड में। तो हम इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, अब क्या होगा। तो ये कोड है वैसे यार, वो अगला पार्ट किधर गया, आयो स्ट्रीम .h। तो ये कोड के अंदर लिखा गया है, लेकिन इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देते हैं, और आयो स्ट्रीम, सिर्फ आयो स्ट्रीम मैं लिख देता हूँ। तो ये लाइब्रेरीज हैं उसकी C++ की। अगर यहाँ पे ये शो क्यों नहीं कर रहा, बट चलें, उसका मतलब कुछ और अभी इसके अंदर चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल चलते हैं। प्रोग्रामिंग कोड अपीयर, वेब पेज शुड बी प्लेस्ड एंड इंक्लूड कोड। कोई भी प्रोग्रामिंग कोड हो, HTML का कोड हो, आपने अभी कोई HTML का कोड और लिखना है तो इसके अंदर लिख देंगे कोड टैग के अंदर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोड के स्पेलिंग वगैरह तो सही लिखा है ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सारा प्रोग्रामिंग का कोड शो हो जाएगा। आगे चलते हैं यार, किधर है कोड। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, कोड, दिस इज़ कोड। कोड के अंदर जो उन्होंने लिखा है वो कोड के अंदर आ गया है, रेगुलर टेक्स्ट में जो कुछ गया। अगर आपने कोई कीबोर्ड से टेक्स्ट इंटर किया है तो वो किस तरह शो होना चाहिए, दिस इज़ इनसाइड कीबोर्ड एलिमेंट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर, यू वांट टू टेल अ रीडर टू एंटर सम टेक्स्ट। अगर आप किसी बंदे को कहते हैं कि सम टेक्स्ट एंटर करें, यानी कि आपके कोई बॉक्स है उसके अंदर आप कहते हैं कि इसके अंदर अपना नाम एंटर करो, फादर करें, वो कहाँ से एंटर होगा, कीबोर्ड टेक्स्ट के अंदर, कीबोर्ड के जरिए एंटर होगा। तो उसको हम, तो उस टेक्स्ट को हम किस चीज़ के अंदर रखेंगे, कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट एंटर हुआ है कीबोर्ड से, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कीबोर्ड से एंटर हुआ हुआ ये टेक्स्ट है, तो मैं इसको कीबोर्ड टैग के अंदर रख देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने कीबोर्ड से कोई टेक्स्ट आपका एंटर होता है तो उसको कीबोर्ड के अंदर ही, टैग के अंदर रख दें और रिफ्रेश कर दें। तो ये देखिएगा, ये बाकी स्टाइल उसका चेंज, साइटेशन वाला स्टाइल हट गया है, गाज अब वो वर्क नहीं करा। अब कीबोर्ड स्टाइल, ये कीबोर्ड का अलग स्टाइल होता है और साइट का अलग स्टाइल होता है, स्टाइलिंग होती है थोड़ी सी बस, और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स, कोई भी प्रोग्रामिंग कोड हो वो किसके अंदर लिखते हैं, हम कोड का हमने पहले डिस्कस किया, या हम उसे किस के अंदर लिख सकते हैं, प्री के अंदर। दिस आर यूजली यूज इन कंजक्शन विद द प्री एंड कोड एलिमेंट टू इंडिकेट दैट द कंटेंट ऑफ द एलिमेंट इज वेरिएबल। ये देखें, ये जावा के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये लिखी हुई है एक लाइन, एक तो ये कोड के अंदर, तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ अगर हो सकता है तो। चले मैं पैराग्राफ एक और बना लेता हूँ, और उसको बल्कि है वो इस कोड के अंदर हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये लिखता है सिंपल है, ये फंक्शन का काम है, आपको इस लाइन पे ध्यान ही देना, बल्कि कोई भी प्रोग्रामिंग का कोड हो आप, मैं बल्कि चलो ये आप कर देते हैं, जो एग्जांपल में है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसने क्या राइट करवाया है, वेरिएबल वी से। वेरिएबल का टैग क्या होता है, वी ए आर वेरिएबल टैग होता है HTML के अंदर। तो डबल कोट स्टार्ट हुई है उसके बाद, तो
यहाँ पे वेरिएबल का टैग है और वेरिएबल का टैग क्लोज भी हो गया। वेरिएबल का टैग क्लोज होने के बाद हमारे पास क्या चीज़ है उसके अंदर, यूज़र नेम, ये हमारा वेरिएबल है यूज़र नेम। तो ये हमारा जावा के अंदर एक लाइन लिखी गई है। अब देखते हैं वहाँ पे ये कैसा शो होता है। तो ये देखें एज इट इज़ जो कोड था वो एज इट शो हो गया, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई। डॉक्यूमेंट आर राइट, नहीं तो ये जो वेरिएबल का टैग लगाया था वो हट गया, एग्जाम्पल जो वेरिएबल था वो यहाँ शो हो गया। तो फिलहाल इसको, तो अगर आपने कोई कोड लिखा है प्रोग्रामिंग का तो उसको आपका कोई रिजल्ट भी होगा, तो वो आपने किस चीज़ के अंदर लिखना है। प्रोग्रामिंग आउटपुट का टैग, आउटपुट के अंदर कौन सा होता है, एस एम पी सैम, यानी कि सिंपल इसको कह सकते हैं आप कि प्रोग्रामिंग का जो रिज़ल्ट होगा वो आप इस टैग के अंदर लिखिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसके नीचे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट आर ड्राइड यूज़र नेम, तो यहाँ पे क्या आएगा सैंपल के अंदर आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग का रिज़ल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा रिज़ल्ट जो आ रहा है, जो हमने उधर कोड किया हुआ उसका सबका ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ कि जो हमारा सारा रिज़ल्ट आ रहा है। कंट्रोल एस कर देता हूँ और अब रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें एज इट इज़ सारा का सारा आ गया नीचे, जो हमारा वो रिज़ल्ट आ रहा था उसके अंदर सारा रिज़ल्ट हमने सैंपल के अंदर डाल दिया। और आगे कौन सा टैग है, एड्रेस टैग्स, क्या आपका आपका अगर भी एड्रेस है तो आप किस चीज़ के अंदर लिखेंगे, तो वो भी लिख देते हैं, वो टैग भी यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टैग होगा, एड्रेस, स्पेलिंग ध्यान से डालिएगा, बिकॉज स्पेलिंग गलत हो जाए तो पता भी नहीं चलता है एचटीएमएल के अंदर। मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, कंट्रोल एस कर देता हूँ और देखते हैं एड्रेस टैक्स किस तरह शो होता है। तो ये पाकिस्तान शो हो गया, तो इतना बड़ा काम नहीं, एड्रेस आपने इसके अंदर लिखना है। और नीचे अभी क्या स्टार्ट है, एचटीएमएल मेटा टैग्स, मेटा टैग्स मेरे ख्याल में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करते हैं, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मेरे ख्याल में सब कुछ ख़त्म करेंगे, एचटीएमएल को ख़त्म करेंगे, नई लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, साथ हम दो तीन लैंग्वेजेस और स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, अपना ख्याल रखें।